और नकली सामानों के बारे में जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि अमूल घी ही नहीं बल्कि ये जो फॉर्च्यून तेल आप देख रहे हैं नकली फॉर्च्यून तेल भी बनाया जा रहा है। ये नकली फॉर्च्यून तेल है और इसकी असलियत सामने आई। गांधी नाम के शख्स ने बताया कि किस तरह से पारस घी से लेकर के फॉर्च्यून तेल तक नकली माल छत्ता बाजार में बिक रहा है खुलेआम। आगरा में नकली सामान के थोक छत्ता बाजार की इन गलियों में हम नकली सामान माफिया गांधी को ढूंढ रहे थे। पहले हमारी मुलाकात गांधी के भाई से हुई। पूरी पूछताछ करने के बाद गांधी के भाई ने उसे फोन किया। इस एक कॉल के बाद गांधी हमारे सामने मौजूद था। सिर पर टोपी लगाए दिख रहे ये शख्स ही गांधी है। गांधी ने भी हमसे पूछताछ की। वो जानना चाहता था कि कहीं कोई और छिपकर हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। और अकेले 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 ही आते अकेले। आमिर भाई से हम ले गए सामान। हाँ नहीं पहली बार लगता है, दूसरी बार नहीं लगेगा। अब उनके पास जाएंगे नहीं लगेगा। नकली घी बेचने वाले आमिर का नाम सुनते ही गांधी ने एबीपी न्यूज संवाददाता पर यकीन कर लिया, जिसके बाद डील शुरू हुई और ऑपरेशन छत्ता बाजार आगे बढ़ा। बातचीत करते हुए गांधी ने अपने बेटे रईस को हमसे मिलवाया। अमूल की जगह और वैरायटी के नाम बताओ। कौन कौन मिल्क फूड है? अमूल है, सरद है, कृष्णा। एक किलो आधी किलो चाहिए, 15 kg चाहिए। एक किलो चाहिए। अमूल चाहिए। यानी इस बाजार में अमूल या दूसरा ब्रांड नकली सामान आसानी से खरीदा जा सकता है। घी के बाद हमने तेल के खेल पर सवाल पूछने शुरू किए। फॉर्च्यून का कितना है, क्या रेट है? कहीं दिलवाओगे क्या? आप दिलवाओगे क्या? तो यही भरता है। यहाँ से गांधी के बेटे रईस ने पूरी डील की जिम्मेदारी उठा ली। हमने रईस से फॉर्च्यून तेल और पारस घी की डील की, जिसे रईस ने खुद गाड़ी में लोड करवाया। आपको बता दें कि बाजार में फॉर्च्यून तेल का जो डिब्बा 1460 रुपए का मिलता है, वही नकली बेचने वाले लोग छत्ता बाजार में 1200 रुपए का बेचते हैं। यानी नकली तेल की हर टिन पर 260 रुपए का मुनाफा। रईस का विश्वास हम पर बढ़ता जा रहा था और अब उसने ये खुलासा किया कि आखिर नकली घी को असली घी का कलेवर देने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। सर क्या यूज करते हैं आप उसमें? करते घी में, घी में हमें क्या क्या यूज करते हैं? यूज होता है, डालडा यूज होता है, क्रीम यूज होती है, थोड़ा देसी घी यूज होता है। जब मिलावट जाएगी उसको फायदा लागू जब आता। पेशेंट कौन सा? पेशेंट नाम जाएंगे ये कच्ची अभी पाँच किलो 5000 रुपये पेशेंट। सुन रहे हैं आप, देख भी रहे होंगे कितनी चालाकी और इंतजाम के साथ आपकी रसोई तक नकली घी पहुंचा दिया जाता है छत्ता बाजार से और आपको खबर भी नहीं होती। एबीपी न्यूज के लिए के आशीष की तहकीकात। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं लगातार ऑपरेशन छत्ता बाजार। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं इंडिया गेट बासमती राइस, लेकिन ये नकली इंडिया गेट बासमती राइस है। इसकी पूरी कहानी भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये कैसा छत्ता बाजार है जहां पर असली नकली की पहचान इतनी मुश्किल है। छत्ता बाजार ने अपनी जड़ें कैसे जमा रखी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये उत्तर प्रदेश के आगरा की वो गलियां हैं जहां बड़े से बड़े ब्रांड की पैकिंग में नकली सामान भरकर ग्राहकों को बेच दिया जाता है। इन्हीं गलियों में नकली सामान बनाने से लेकर भरने तक की और फिर सप्लाई तक का इंतजाम होता है। इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में घुसना आसान है, लेकिन आगरा के छत्ता थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर फैली गलियों में चल रही
नकली सामान बनाने वाली इन फैक्ट्रियों में घुसना नामुमकिन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान को पहचान पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन क्यों हो जाता है। ये देखिए, ये अमूल के एक किलो घी का पैकेट है जिसमें भारत सरकार की शुद्धता का प्रमाण वाला ये लोगो बना हुआ है जिसे एगमार्क कहते हैं। डिब्बे के पीछे की तरफ देखेंगे तो आप एक बार कोड दिखाई देगा। इस बार कोड के जरिए असली और नकली के बीच भेद किया जाता है। माना जाता है कि बार कोड को स्कैन करके आप ये जान सकते हैं कि ये सामान असली है या नहीं, क्योंकि इस बार कोड में सामान के बारे में पूरी जानकारी मौजूद होती है। अब हम आपको नकली डिब्बे पर मौजूद सामान को असली साबित करने वाला एक तीसरा निशान दिखाते हैं। नकली अमूल घी के इस डिब्बे पर आपको जो रंग बिरंगी लाइनें दिखाई दे रही हैं, इस होलोग्राम पैकेजिंग कहते हैं। नकल से बचने के लिए ये पैकेजिंग आजाद की गई थी, लेकिन देखिए कैसे नकली अमूल घी के इस डिब्बे पर शुद्धता और प्रामाणिकता हर पैमाने को बेकार साबित कर दिया है और महंगी से महंगी तकनीक का इस्तेमाल कर नकली सामान बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पारस घी का ये डिब्बा देखिए जिस पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI का लोगो भी लगा है और लाइसेंस नंबर भी। FSSAI देश शुद्ध खाद्य पदार्थों की गारंटी देने वाला विभाग है, उसका भी इस्तेमाल नकली पदार्थों में धड़ल्ले से हो रहा है। ABP न्यूज के लिए के आशीष की तहकीकात।